दोस्तों रेजर का नाप निकालने का दो तरीका मैंने बताया आपको। एक तरीका से ये हो गया, ये 3 फुट है और ये 6 इंच की, एक टाइस की शेयर रेजर बन सकता। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ सीढ़ी में ग्रेनाइट या मार्बल कितना लगेगा, रेजर में कितना लगेगा, टप्पे में कितना लगेगा। मैं आपको पूरा माप करके दिखाता हूँ। और नए मिस्त्री भाई ध्यान रखे, वीडियो को एंड तक देखे, पूरा देखे, स्किप बीच में स्किप न करे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी सीढ़ी पत्थर का नाप निकालने के बारे में। हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी हर सोमवार शाम 6 बजे। ऐसे हेल्पफुल वीडियो हम बनाते रहते हैं, और नए मिस्त्री भाइयों के लिए ये वीडियो रामबाण रहेगा। और नाप निकालने में कंफ्यूज होते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो मैं नाप के बारे में दिखाता हूँ, नाप निकालने के बारे में दो तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से आप नाप निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों हमारे सीढ़ी बनाई हुई तैयार है, इसके आधार में मैं मेरा नाप दिखाता हूँ, मेरे सीढ़ी का। आपकी सीढ़ी में लंबाई चौड़ाई और हाइट में कितनी है, आप उसी आधार पे वीडियो के माध्यम से नाप निकाल सकते हैं। चलो मैं मेरा नाप दिखाता हूँ, मैंने सीढ़ी बनाई है दोस्तों। ये 3 फुट की चौड़ाई है और ये टप्पा पूरा 11.5 इंच है। मैं आपको दिखाता हूँ 11.5, तो आप मान लो इसको 12 इंच प्लस 2 इंच पट्टी, ये होगी 14 इंच की। 14 इंच इसको करेंगे प्लस में, ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, 36 इंटू 15 ये हो गया दोस्तों, इंटू इंच में 540 इंच आया। मैं इसमें फुट पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, इसमें 144 का दोस्तों भाग लगाएंगे। ये आया एक सीढ़ी का नाप 4.75 पौना 4 फुट का पत्थर लगता है। जैसे आपके पत्थर है, सीढ़ी है आपकी जैसे 20, तो इसका इंटू करेंगे 20। ये दोस्तों आपने सीढ़ी, जैसे आपकी सीढ़ी सीढ़ी 20 सीढ़ी है, तो इसको करेंगे 20 से इंटू। ये दोस्तों 75 फुट आ गया पत्थर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों जैसे अपने सीढ़ी है 20, तो ये आ गया अपना नाप 75 75, और ये 9 फुट ये और 9 फुट ये, 18 इंच। इसमें 18 इंच को प्लस करेंगे, इसमें दोस्तों प्लस करेंगे 18, 93 फुट आ गया। और एक्स्ट्रा रहा दोस्तों, ये मान लो अपने हो गया 100 फुट, 100 फुट हो गया टप्पे का माप। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जैसे आपको नाप निकालना है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये दोस्तों ऐसे नाप ले सकते हैं। ये दोस्तों आया अपने 9 9 फुट, 9 फुट इंटू ये आया दोस्तों 3 फुट, 9 3 27 फुट हो गया, ये 27 फुट ऐसा। और इसमें इंच के हिसाब से 9 सीढ़ी है तो 1 फुट और एक्स्ट्रा करते हैं नीचे पट्टी वाला। इस तरीके से आप टोटल नाप निकाल सकते हैं। ये तो हो गए दो तरीके दोस्तों। अब रेजर का माप दिखाता हूँ मैं दोस्तों रेजर का नाप निकालने का दो तरीका मैंने बताया आपको। एक तरीका से ये हो गया, ये 3 फुट है और ये 6 इंच की, एक टाइस की शेयर रेजर बन सकती है। आपके 19 20 है तो आपके 3 ही रेजर बनेगी, हाइट ज्यादा है और कम है तो 4 बनेगी रेजर। इस प्रकार से दोस्तों 6 पीस लेना, आप 6 पीस में आपका रेजर का काम हो जाएगा और साइड का फुट बचेगा, वो स्केटिंग हो जाएगी। और ग्रेनाइट को आपको डायरेक्ट नाप निकालना है तो जैसे 11 फुट की हाइट है ये रेजर दोस्तों, ये तो ऐसे आप हाइट से इंटू कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको टॉप से नीचे तक आपको 10.5 या 11 का हाइट मिलेगा, तो इसमें 11 इंटू ये 3, ये दोस्तों 11 और 3 को इंटू करना है तो अपने 33 फुट आएगा ये वाला नाप दोस्तों, ये 33 33, और 7 फुट एक्स्ट्रा कर दो, ग्रेनाइट लेना है तो एक्स्ट्रा, तो ये 33 और 7 40 फुट हो गया, तो 40 फुट ये नाप लेना दोस्तों। ये आया 40 फुट, और 100 फुट 50 100 फुट आया ये
जो आपको मार्बल या ग्रेनाइट अलग कलर लेना था, ये 100 फुट और ये 50 फुट कर देना दोस्तों एक्स्ट्रा। अगर आपको ग्रेनाइट लेना था 150 फुट आता है पूरे सीढ़ी में ग्रेनाइट या मार्बल लगेगा, और आपकी सीढ़ी माइनस प्लस है तो आप नाप को आगे प्लस या माइनस कर देना। इस तरीके से दोस्तों नाप निकाल है, यह है सही तरीका।